स्पेशली उन बच्चों के लिए क्लास बना रहा हूँ जिनका कल रिजल्ट आया था और अनफॉर्चुनेटली क्लास उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये वीडियो ध्यान से अच्छे से पूरा समझना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिले। आई नो आप लोगों को प्रेशर है अपने पीयर प्रेशर, अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, और बहुत सारी क्लास एंजाइटी आपको है कि क्या होगा क्या नहीं। और मैंने खुद ऐसे ऐसे बच्चों का भी, कुछ बच्चों का रिजल्ट देखा जिनके मतलब उम्मीद ही नहीं है इतने कम आ सकते हैं। कुछ ना कुछ रिजल्ट में कुछ बच्चों की चेकिंग में मिस्टेक हुई है, कुछ स्कूल वालों ने धांधलीबाजी भी की होगी। स्कूल वाले क्लास जो है थोड़ा बहुत भेदभाव करते ही है, हर साल बच्चे हमें ये रिपोर्ट देते हैं। लेकिन फिर भी इन सारी क्लास एक्टिविटीज को दूर करते हुए अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है, तो सबसे पहले बात कंपार्टमेंट क्या है, ध्यान समझना। जिनके पास 5 सब्जेक्ट थे कुल, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, मतलब उनको थ्योरी रिपीट करना है, तो क्लास उनके रिजल्ट में आएगा कंपार्टमेंट। किसी के पास 6 सब्जेक्ट थे और किसी 2 सब्जेक्ट में क्लास उनका ये फेल हो गए, मतलब रिपीट करनी पड़ेगी थ्योरी, तो एक सब्जेक्ट को तो एडिशनल झेल लेगा, लेकिन एक के लिए क्लास उनको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। जबकि 5 सब्जेक्ट किसी के पास है और वो 2 में फेल हो गए, तो उनका एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आता है, मतलब कुल मिलाकर फेल है, वो दोबारा अगले साल देंगे। अब ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसकी बात करेंगे। देखो यार, मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा था बेटा पढ़ लो, पढ़ाई कर लो एग्जामिनेशन से पहले। अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे और हमारी कॉमर्स कम्युनिटी के अंदर कितने सारे टीचर है जिनने दिन रात आप लोगों के पीछे मेहनत करी, दिन रात आपको क्वालिटी कंटेंट जो शायद किसी पेड बैच में भी नहीं मिलता आपको, वो कंटेंट दिए, इतनी मेहनत करी। अनफॉर्चुनेटली क्लास आप लोगों ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने आपसे कहा था वो दुख वो दर्द जो तुम्हारे घर वालों को होगा रिजल्ट आने के बाद, तुम उसे नहीं झेल पाओगे, तुम तो बेशरम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तो जो तुम्हारे घर वालों को दुख हो रहा है ना इस टाइम, यही तुम्हारे मेन दुख का कारण है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के थ्रू क्लास में आपके सारे सवालों का जवाब प्लस सॉल्यूशन की बात करूंगा कि किस किस तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहली बात, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, जिनको लगता है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इतने कम नंबर है, तो आप लोग अपने कॉपी को रीचेक करा लेना। सर रीचेकिंग कैसे होगा, सारी बातें मैं बता दूंगा आपको, बट रीचेकिंग पॉसिबल है। आपकी एक छोटी सी फीस सीबीएसई आपसे लेगा और क्लास रीचेकिंग आपकी हो जाएगी, मार्क का वेरिफिकेशन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं मार्क नहीं मिले आपको, या टोटलिंग में गलती तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें चेक। लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, 2-3 दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर जैसी आ जाएगा मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, तो आप चिल रहो। डेफिनेटली अगर आपको भरोसा है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे।